हेयर डिक्शनरी सीरीज 3 कॉजेस ऑफ हेयर फॉल, हमारे बाल क्यों झड़ते हैं। ये है हमारा सीरीज 3 फ्रॉम हेयर डिक्शनरी फ्रॉम न्यू रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। मैं हूँ डॉक्टर नीलेश पुंड और आपको आज जानकारी दूंगा कि हमारे बाल क्यों झड़ते हैं या फिर हम क्यों वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो आज का जो हमारा तौर तरीका है जीने का, जो हमारा तौर तरीका है खाने का, जो हमारा तौर तरीका है आज एनवायरनमेंट का, वो पूरा आज बदल चुका है और इस कारण हमारा हेयर फॉल जो है आज के ज़माने में बहुत बढ़ चुका है। तो आइए देखते हैं कि कारण क्या है हमारे हेयर फॉल का, इतने हमारे बाल झड़ने का प्रमाण बहुत से लोगों में क्यों बढ़ गया है और कम उम्र में हमारे बाल झड़ना क्यों शुरू हो गए हैं। आइए तो शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, कॉजेस ऑफ हेयर फॉल, यानी कि हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। तो इसमें हम दो डिविजन्स कर सकते हैं, एक फर्स्ट डिविजन है पैची हेयर लॉस और नेक्स्ट डिवीजन है डिफ्यूज हेयर लॉस। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पैची हेयर लॉस के बारे में। पैची हेयर लॉस यानी एक सर्टन प्लेस से, मतलब स्काल्प के कोई एक पर्टिकुलर प्लेस से जो हेयर फॉल होना, पैची लॉस होना, उसको कहते हैं पैची हेयर लॉस। तो इसके प्रमुख चार कारण देखे गए हैं, उसको हम देखते हैं। पहला कारण है एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा ये एक स्किन का ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें कि हमारे सेल्स जो हमारे शरीर के लिए काम करते हैं, जो हमारे शरीर में जो बढ़ावा देते हैं, जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, वही सेल्स हमारे विरोधक बन जाते हैं और हमारे बॉडी में ऑटोइम्यून डिसीज पैदा करते हैं। उस कारण जब अगर स्किन रिलेटेड ऑटोइम्यून डिसीज हो जाता है तो हमारे स्किन में पैची हेयर लॉस दिखाई देता है, और जो कि स्काल्प में अगर दिखाई दिया तो उसको एलोपेशिया एरियाटा दिखाई देता है। अगर इसका प्रमाण ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर कोई अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है, अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता है, तो इसका प्रमाण जो है एलोपेशिया टोटालिस में भी हो सकता है। तो जिस कारण हमारा पूरा बियर्ड का लॉस, मूस्टैच का लॉस, आईब्रो लॉस और फुल बॉडी हेयर का लॉस हो सकता है, इसको कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। सेकेंड पॉइंट है ट्राइकोटिलोमेनिया। ट्राइकोटिलोमेनिया यानी एक कोई बीमारी है जो मानसिक तौर पर जो देखी जाती है, जो बहुत स्ट्रेस में है, तो वो जो लोग हैं वो अपने बालों से खेलते रहते हैं दिन भर, तो उससे रूट्स को पुल होता है और वो ट्रैक्शन हो जाता है, तो इस कारण भी हमारा पैची हेयर लॉस हो सकता है। तीसरा और एक कारण देखा गया है कि ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया यानी क्या, पुराने ज़माने में जो टर्बन्स पहनते थे, पगड़ी पहनते थे, तो उस कारण कंटिन्यू पगड़ी या फिर टर्बन्स होने के कारण वो हेयर रूट्स को पुलिंग होता है, हेयर रूट्स को टेंशन आ जाता है, हेयर रूट्स स्ट्रेस में आ जाते हैं और इस कारण वो भी हेयर फॉल हो जाते हैं। आजकल हम इसको देख सकते हैं कि अगर किसी को थोड़ा बहुत हेयर फॉल है और ज़्यादा हेयर फॉल है भी नहीं, तो वो कंटिन्यू हेयर फॉल छुपाने के लिए या फिर हेयर लॉस छुपाने के लिए कैप यूज़ करते हैं, तो उस कैप के कारण भी ट्रैक्शन होता है, तो उस हेयर ट्रैक्शन की वजह से इसको ट्रैक्शन एलोपेशिया कहा गया है। चौथा पॉइंट है टीनिया कैप्टिस, यानी ये फंगल इन्फेक्शन होना। हमारे स्काल्प के ऊपर अगर कोई प्लेस में स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो भी वहाँ पर हेयर लॉस हो जाता है। ये ज़्यादातर के स्कूल के बच्चों में हम देख सकते हैं या फिर एफ्रो अमेरिकन जो है उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये था प्रमुख पैची हेयर लॉस के बारे में, जो कि हमने चार कारण देखे, ट्रैक्शन एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा, ट्राइकोटिलोमेनिया और टीनिया कैप्टिस। तो आप नजर डालते हैं डिफ्यूज हेयर लॉस पर या फिर डिफ्यूज हेयर फॉल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर, डिफ्यूज हेयर लॉस। टेक केयर, बाय बाय।